आज हम आपको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं और वो ये है कि 1975 में पाकिस्तानी फिल्म चाइना में ना सिर्फ रिलीज हुई बल्कि उसे बहुत पसंद भी किया गया था। हेलो एवरीवन, हमारा नेबर फ्रेंड चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मार्केट और मेजर बॉक्स ऑफिस पावर बन गया है क्योंकि दुनिया के अब सबसे ज़्यादा सिनेमाज हैं चाइना में। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, चाइना में फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिटर्न सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके एक एग्जांपल है आमिर खान की फिल्म दंगल, जिसने सिर्फ चाइना में 1300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया जबकि पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस रिटर्न 700 करोड़ इंडियन रुपीस थे। रिसेंटली पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स इस कोशिश में हैं कि वो चाइना में पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज करवा सकें, मगर आज हम आपको एक सरप्राइज देने जा रहे हैं और वो ये है कि 1975 में पाकिस्तानी फिल्म चाइना में ना सिर्फ रिलीज हुई बल्कि उसे बहुत पसंद भी किया गया था। तो आइए आज हम उसी फिल्म के हीरो से बात करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद। ये एक ऐसी फिल्म है जिस पे मैं जितना भी फख्र कर सकूं कम है, बिकॉज मैं उस फिल्म में हीरो था और बाबरा शरीफ मेरे साथ हीरोइन थी। अब ये फिल्म चाइना में रिलीज़ हुई, तकरीबन 17-18 साल चाइना में चली और कंसेकटिव चली है वहाँ पे, और दे आर वेरी लविंग पीपल, और उनकी मोहब्बत का जो एक जेस्चर था वो मेरे और बाबरा के साथ ये था कि चाइना में उन्होंने स्टैचूज लगाए हुए हैं मेरे और बाबरा के। तो मैं तो यही कहूँगा नए फिल्म मेकर्स को कि आपके पास एक बड़ी मार्केट है, आप कोशिश करें, इसमें आपको बिजनेस भी मिलेगा और पाकिस्तान का नाम भी होगा। चाइना के लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए भी करें और उस फिल्म को मार्केट करें आप चाइना में, तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। तो फ्रेंड्स, ये थी माजी की बात, मगर हम आजकल के पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को सजेस्ट करते हैं कि वो चाइना के फिल्म मार्केट स्टडी करें क्योंकि हमारे एनालिसिस के मुताबिक वहाँ इंडियन मसाला फिल्म्स नहीं बल्कि ऑफ बीट यानी ज़रा हट के बनने वाली फिल्म्स पॉपुलर हो रही हैं, जिनमें पीके, दंगल और हिंदी मीडियम जैसी फिल्म्स शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स चाइना के फिल्म मार्केट को कैप्चर करने के लिए फिल्म्स बनाएंगे और यकीनन वो दिन दूर नहीं जब चाइना में फिल्म्स देखी और पसंद की जाएंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।